बैक इन माय चैनल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल इन सफिक्स स्पीक और एन स्पेस, राइट। इस स्पेस का स्टेटमेंट मैंने लिया है कि लेट पी बी रियल नंबर सच दैट वन लेस आर इक्वल टू पी लेस देन इनफिनिटी, एंड जो स्पेस है हमारा वो डिनोट कर रहा है कि लीनियर स्पेस ऑफ ऑल एंटरपल ऑफ स्केलर्स विद द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस एक्स इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स हैं x1, x2, n1, xn डिफाइन बाय क्या है कि नॉर्म ऑफ x विद सफिक्स p इक्वल टू समेशन ऑफ x मॉड ऑफ x i का होल पावर p का होल पावर n बाय p। यहां पे हमें इस स्पेस को क्या दिखाना है, सो दैट स्पेस क्या होना चाहिए, बनैक स्पेस होना चाहिए। आपको ये समझना है कि बनैक स्पेस क्या होता है, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि बनैक स्पेस क्या होता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है एंड कॉची सीक्वेंस क्या होता है, सभी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस वीडियो में बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लेंथी हो जाएगी वीडियो भी, लेंथी हो जाएगी, तो टाइम को शॉर्टेस्ट देखते हुए हम आपको डायरेक्टली इसका प्रूफ बताते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अगर आपने नहीं देखा मेरी पिछले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछली वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो इसके प्रूफ में सबसे पहले मैं आपको इस प्रूफ को थोड़ा मोटा मोटा बारे में बता दूं। प्रूफ में करना क्या है कि पहले तो आपको बनैक स्पेस की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी कि नॉन लीनियर स्पेस इज कंप्लीट, ठीक है, एज ए मैट्रिक स्पेस। मतलब एक स्पेस को नॉर्मल स्पेस दिखाना पड़ेगा और फिर उसको कंप्लीट दिखाना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं वो बनैक स्पेस है, राइट। और कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि एवरी कॉन्सी सिक्वेंस इन एन, मतलब जो नॉर्मल स्पेस है उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सी सिक्वेंस जितने भी होते हैं सभी को हमें कन्वर्जेंस पॉइंट दिखाना होगा, राइट। तो सभी को देखेंगे धीरे धीरे, तो पहले हम दिखाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको मैं अगर प्रूव करना है तो हमें इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या प्रूव करनी पड़ेगी, वो हमें प्रूव करने पड़ेगा स्टेप फर्स्ट में। ये जो हमारा ये स्पेस है वो क्या होना चाहिए, इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। इसके फोर पोस्टुलेट्स होते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या होता है, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारा डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हमें पॉजिटिव दिखाना है। पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस हम बता देंगे कैसे होगा, क्योंकि अगर मेरे डेफिनेशन को देखो ध्यान से, तो यहां पर लगा है मॉड एक्स आई का होल पावर पी। ठीक है, मुझे ये बताओ अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, मतलब कि जो भी वैल्यू हो, माइनस से प्लस, क्योंकि रियल नंबर तो है नहीं, यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, और जो एलिमेंट है वो वन और इसके बिटवीन में बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले में तो ये इसके बिटवीन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलरेडी ये पॉजिटिव होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब पी की वैल्यू जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर दूं कि मॉड लगा है और मॉड क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी हम एक्स की वैल्यू डालते हैं तो पॉजिटिव रहता है, उसके पावर कुछ भी हो, माइनस प्लस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर यहाँ पे सभी प्लस है, तो मतलब अगली वैल्यू आने वाली वैल्यू वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर उसका हम पॉजिटिव एलिमेंट का समेशन कर लेते हैं वो भी पॉजिटिव होता है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू इनडायरेक्टली हम बोल रहे थे, लेकिन अब डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव होगी, राइट। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको दिखा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, अगर आप इतना लेकर चलें और ये दिखा देंगे ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सो इंप्लाइज दैट यहाँ पे हम समेशन बात कर रहे हैं कि एक्स आई का होल पावर पी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसका अगर हम डायरेक्टली बात कर दें कि होल पावर अगर ले लें, इसी में दिखा रहा हूँ मैं, होल पावर अगर वन बाई पी ले लिया तो भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आया है। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, वो है, वो पॉइंट मैं आपको राइट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, जीरो वेक्टर होता है। वो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, सॉरी ये नॉन के बाहर है पी सफिक्स में, ठीक है, इसको जीरो लेकर चलना है और इफ ओनली मुझे इसका पॉइंट मतलब एक्स इक्वल टू जीरो राइट करना है, तो कैसे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है इधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। इसकी डेफिनेशन हमारे सामने क्या है कि समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई का होल पावर पी का होल पावर वन अपॉन पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। बोथ साइड हमने क्या किया, पावर पी ले लिया है, तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं। और यहां पर अगर हम बात करें, पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर होगी, क्योंकि जीरो को अगर हम कई बार सम करते हैं तभी वो जीरो होता है, मतलब इस पॉइंट को कई बार ये जीरो पॉइंट रहा होगा तभी उसको हम सम करते क्या चले गए जीरो तक, तभी तो हमारा जीरो हुआ है, तो राइट यहां तक ये लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ये पॉइंट अगर हम वन अपॉन पावर सॉरी वन अपॉन पी दोनों साइड ले लें, पावर ले लें, तो कोई डाउट नहीं है, या फिर हम ऐसा बोले इसकी पावर पी ले लें तो कंपेरिजन कर दें, कोई डाउट है नहीं, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन xn होते, ठीक है, तो ये इक्वल टू जीरो होता, नहीं होता, ये इक्वल टू जीरो होता। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स टू इक्वल टू जीरो होगा, एक्स थ्री इक्वल टू जीरो होगा एंड सो ऑन, कहां तक xn इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ है फ्रेंड्स कि सारे पॉइंट हमारे जीरो हैं। दैट मीन्स कि xn यानी कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, xn तक ये सारे पॉइंट क्या है, x हैं, तो मतलब x इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मैंने जीरो वेक्टर दिखा दिया, मैंने पॉजिटिविटी दिखा दिया है। थर्ड जो इसका पॉइंट्स आ रहा है वो आ रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसमें क्या करते हैं कि एक पॉइंट को हमने जान रखा है क्या है कि x इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn, ठीक है। दूसरा पॉइंट ने ले लिया है y1 y2 एंड सो ऑन y1, ठीक है। और ये दोनों एलिमेंट होंगे किसके एलिमेंट होंगे, वो दोनों स्पेस के एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स, वो दोनों किसके स्पेस के एलिमेंट होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये दोनों इसी के मेंबर हैं, ठीक है। तो मुझे अब इसको क्या दिखाना है, मुझे इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कराना है। और वो कैसे होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसको हम जान लेते हैं। पी बी द रियल नंबर, ये बात आप याद रखना, भूलना मत, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप ये लिखेंगे कि पी बी द रियल नंबर, मतलब ये कंडीशन आपको लिखेंगे राइट यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का, ठीक है, इन सफिक्स पी इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना, मैं प्रूफ आपको बता दूं, एक्चुअली प्रूफ क्या करना होता है, हमें ये प्रूफ करना होता है राइट right? इसको मैं प्रूफ करना है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, पहले मैं इसको डेफिनेशन अप्लाई करूंगा। डेफिनेशन क्या है हमारे सामने, वो अप्लाई कर लूं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई, अब एक्स आई बिकॉज एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पर जो है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई, लेकिन एक्स रिप्लेस में यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई आई का होल पावर पी का होल पावर वन अपॉन पी राइट। अब यहां से अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से। अब आप लोगों को मिन कॉस की इनक्वालिटी पता होना चाहिए, तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मिन कॉस की इनक्वालिटी, या फिर इसको प्रूफ करो। तो मिन कॉस की इनक्वालिटी में अगर हम प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी इन, और प्लस में आपका आ जाएगा समेशन ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स आई का होल पावर पी का होल पावर वन अपॉन पी राइट right? यहां तक तो हो गया, सॉरी वाई है यहां पर, तो वाई राइट कर दूं मैं। अब यहां से हो गया, लिख देना बाय मीन कॉस की इनक्वालिटी, कॉस की इनक्वालिटीज इनक्वालिटी राइट कर लेना राइट right? अब यहां से अगर ये हो गया तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे सामने, ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस, ये हो गया डेफिनेशन नॉर्म ऑफ वाई इन सफिक्स ऑफ पी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी आ जाता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कैसे दिखाएंगे उसको हम, वो देख लेते हैं, आराम से दिखा सकते हो, कोई डाउट नहीं। स्केलर हमने अल्फा लेट कर लिया है जो कि बिलोंग करेगा कहां पर, इस स्पेस में बिलोंग करेगा, और मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहां से हो जाएगा समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू एक्स आई का होल पावर पी का होल पावर वन बाई पी। मैं इसको अप्लाई कर दूं तो अल्फा, मैंने इसको एक्सप्लेन पिछली वीडियो में भी किया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप कैसे करेंगे भाई, आई है तो आई का मतलब होता है वन टू थ्री एंड वन एन तक जाना है, वन टू थ्री फोर तो एंड वन कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। तो मैं इसको राइट करना चाहूंगा, तो मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ इसको, इम्प्लाई मतलब इक्वल टू, ये ऐसा हो सकता है कि जो समेशन में ब्रेक कर रहा हूँ, तो अल्फा एक्स वन का होल पावर पी प्लस अल्फा एक्स टू का होल पावर पी एंड वन अल्फा एक्स एन का होल पावर पी का होल पावर वन अपॉन पी एंड इक्वल टू अल्फा। सभी में अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मॉड है तो मॉड अल्फा हो जाएगा, और पावर पी लगा मतलब मॉड अल्फा का होल पावर पी, और ये सभी टर्म में कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब होल पावर वन पी है, तो इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, यहां से ऐसा राइट कर सकते हो पी और इंटू वन अपॉन पी पावर हो गया, और इंटू ये सारे एलिमेंट क्या बचेंगे, इसको हम राइट कर सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई मॉड ऑफ एक्स आई का होल पावर पी का होल पावर वन बाई पी। और ये वैल्यू अगर ये हम फिनिश कर देते हैं, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने नॉर्म ऑफ एक्स पी राइट। तो यहां तक हमारा प्रूफ हो गया, इसके फोर्थ परसेंटेज हमने प्रूफ कर लिए हैं, फोर्थ परसेंटेज प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो गिवन स्पेस है हमारा, ये वो नॉन लीनियर स्पेस होगा। तो ये इसको मैंने नॉन लीनियर स्पेस दिखा लिया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टर्म है, सॉरी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड जो स्टेप है, वो सेकेंड स्टेप क्या है, उसमें हमें दिखाना है कंप्लीटनेस। क्या दिखाना है फ्रेंड्स, कंप्लीटनेस दिखाना है, और कंप्लीटनेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कंप्लीटनेस क्या होता है, कंप्लीटनेस में मुझे मैंने पहले बता दिया कि कौन सी सीक्वेंस लेकर चलना है, उसको कन्वर्जेंस दिखा देना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, चलो दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे कंप्लीट से अगर दिखाना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो मुझे लेट करना पड़ेगा पहले एक सीक्वेंस जो कि किसका होगा मेंबर, वो सीक्वेंस किसका मेंबर होगा, वो एन कहीं नॉर्मल लिस्ट स्पेस का मेंबर होगा, जो कि मैंने भी प्रूव किया है राइट। और फिर उसको हमें क्या दिखा देना है, तो पहले मैं उसको एक एक स्टेप आपको समझाता चलूँ। मैं लेट कर रहा हूँ, पहले मान लिया एक्स से मैंने लेट कर लिया है बी ए कोसी सीक्वेंस, ये जो कोसी सीक्वेंस होगा वो कहाँ होगा इन एन राइट फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया। अगर ये हम एक्सएम बात करें, एक्चुअली मैं एक्सएम क्या होता है, एक्सएम हम अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू मेरे पास अगर है कि एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्सएन है, लेकिन एक्सएम लगा तो इसका भी तो कोई मतलब होगा, तो हम पावर में इसको लगा दे रहे हैं राइट। तो यहाँ से ये एलिमेंट का, तो ये एलिमेंट किसके होंगे, वो एलिमेंट होंगे मेंबर ऑफ सब स्पेस के मेंबर होंगे फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है, ये सभी स्पेस के मेंबर होंगे, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अगर ये हमारा कौनसी सीक्वेंस है और ये कौनसी सीक्वेंस में हमें ये इक्वल टू इतना होता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन किसकी कौनसी सीक्वेंस की, मुझे इस पॉइंट के, मतलब ये तो कौनसी सीक्वेंस है, बट ये तो कौनसी सीक्वेंस है, मुझे इसके सभी पॉइंट को कौनसी सीक्वेंस दिखाना है, तो इसके सभी पॉइंट को कौनसी सीक्वेंस दिखा लेंगे, और जैसे सभी पॉइंट कौनसी सीक्वेंस हो जाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ डेफिनेशन वगैरह अप्लाई करेंगे। वो क्या अप्लाई करेंगे देखें, तो क्या करेंगे बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम उसको लेट कर रहे हैं कि अगर डेफिनेशन अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट राइट एंड सच दैट, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये बात याद रखें, पॉजिटिव इंटीजर होता है ये, एंड सच दैट मैं इसको राइट कर सकता हूँ ऐसे कि नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि norm of xm minus xl less than epsilon for all l or m जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, greater equal to n not होंगे। यहाँ से हम इसको definition को follow कराते हैं friends, तो definition को follow कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास xm और mod of xi का whole power m minus xi का whole power l less than epsilon हो जाएगा, और साथ ही इसकी power p थी, उसका whole power क्या था हमारा 1 upon p था, और फॉर ऑल एम और एल ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट होगा राइट फ्रेंड्स। अब यहां से मैं इसको अगर डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, तो बहुत सारे अगर मैंने पावर पी ले लिया तो ये हो जाएगा इतना राइट। अगर मैंने इसको बात कहा कि अगर ये समेशन वैल्यू है, तो इससे ये जो वैल्यू होगी समेशन वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, दैट मीन्स कि एक्स आई का होल पावर एम और माइनस एक्स एक्स आई का होल पावर एल का होल पावर पी लेस देन एप्सिलॉन का होल पावर पी, ठीक है। ये क्यों से छोटा होगा, मैंने बताया ना ये समेशन वैल्यू है, और ये समेशन जिस वैल्यू का हो रहा है वो है, तो ये जो वैल्यू होती है समेशन वैल्यूज क्या होती है, छोटी होती है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, इसलिए अगर ये वैल्यू इससे छोटी है और ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो मतलब ये वैल्यू इससे छोटी, मतलब ये हुआ कि एक्स आई का होल पावर एम एंड एक्स आई का होल पावर एल इज लेस देन ऑल्सो लेस देन समेशन ऑफ मॉड एक्स आई का होल पावर एम माइनस एक्स आई का होल पावर एल का होल मॉड, इतना हो जाएगा राइट। और ये ऑलरेडी छोटा है किससे, तो हम ये कह सकते हैं ना डायरेक्टली इससे छोटा होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस अप्लाई कर लो और कुछ है नहीं इसमें राइट। तो यहाँ से इतना हो गया फॉर ऑल एम और एल ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट होगा। फिर मैंने अप्लाई किया कि वो कंपेरिजन कर लें, पावर का कंपेरिजन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, यहाँ से वो राइट कर लें, तो यहाँ से वैल्यू आ गई फ्रेंड्स ये लेस देन एप्सिलॉन, और हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है कैसा सीक्वेंस, ये क्या होगा कौनसी सीक्वेंस होगा, कौनसी सीक्वेंस, अगर हमारा कौनसी सीक्वेंस है किसमें है एन, वो हमारे पास स्पेस कैसा है वो राइट कर ले, तो इस स्पेस में तो हम ये कह सकते हैं कि कौनसी सीक्वेंस होगा राइट फ्रेंड्स। अगर ये कौनसी सीक्वेंस है, और हम ये ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हमने पहले भी बता रखा है कि क्यों ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट सॉरी ये कंप्लीट ऑलरेडी है, ये हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो हमारा आई ये है वो क्या है इज कंप्लीट, ये क्या है इज कंप्लीट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा कंप्लीट होगा, बिकॉज ये पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स इसके क्या होंगे कंप्लीट होंगे, और कंप्लीट होगा तो मतलब ये होगा इसके जितने भी सिक्वेंस हैं वो क्या होंगे कन्वर्जेंट, उसका एक पॉइंट का कन्वर्जेंट जरूर होगा, मतलब लिमिट एम टेंस टू इनफिनिटी और एक्स आई का होल पावर एम पर इसकी वैल्यू कन्वर्जन मिलेगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि जितने भी सीक्वेंस हैं इसके, जितने भी सीक्वेंस हैं फ्रेंड्स, यानी वन पर या फिर टू पर, ये जितने भी सीक्वेंस हैं इसके
सभी का हमें कन्वर्जेंट वैल्यू मिलेगी। तो वो कन्वर्जेंट वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ, वह वैल्यू जैसे इसके लिए हमारे पास Z1 हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास Z2 हो जाएगा और इसके लिए हमारे पास Zn हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने Z लिया है वो Z बराबर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास Z1, Z2 एंड सो ऑन Zn, ये सभी इसके कन्वर्जेंस पॉइंट होंगे, जिसके सभी अलग अलग सिक्वेंस के कन्वर्जेंस पॉइंट अलग अलग होंगे, यानी Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn, राइट। तो यानी कि हमारा जो मेन काम था वो प्रूफ होता है कि इसके जितने भी सिक्वेंस यानी कौन से सिक्वेंस बनेंगे, पहले तो हमें इसके सभी कौन से सिक्वेंस निकाले थे, तो हमने प्रूव किया कि सभी इसके कौन से सिक्वेंस होंगे, और फिर सभी कौन से सिक्वेंस का हमें कन्वर्जेंट पॉइंट देखना था, जो कि हम देख चुके हैं कि सभी का एक कन्वर्जेंट पॉइंट होता है खुद का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिक्वेंस है फ्रेंड्स वो कैसा है, वो कन्वर्जेंट सिक्वेंस सॉरी वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिक्वेंस हमारा ये है वो क्या होगा, इज ए कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, तो अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि गिवन स्पेस इज ए बनेक्स स्पेस, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि गिवन स्पेस इज ए बनेक्स स्पेस। तो आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके पिछली वीडियो देखें, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने खुद मतलब कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर आपने देख रखे तो पूरा क्लियर होगा, अगर नहीं देखे तो देख लें, जिसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि इससे जितने भी इस टॉपिक जितने भी रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसमें पिछली वीडियो में बता रखे हैं, और सभी का वीडियो हम आपको बना बना के देने वाले हैं, जिसमें मैंने 14 वीडियो बताए थे बनेक्स स्पेस में बनेंगे, तो जिसके एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, और ये दूसरी वीडियो है, दो वीडियो अपलोड हो चुकी है, तीसरी वीडियो है, ठीक है। इसके बाद फिर चौथी एंड सो ऑन, मैं 14 वीडियो पूरी बनाऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल चुके, और एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखाए हैं, जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज जो भी आए हैं अपने बुक से पढ़ें, और कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे रहा हूं, और ज्वाइंट हो और अपने डाउट को क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।